दोस्तों आज मेरा जो फेसपैक होगा वो होगा मुल्तानी मिट्टी से। फेसपैक क्या है? मुल्तानी मिट्टी में दोस्तों किस तरह से मुल्तानी मिट्टी लगाएं, क्या डाल के लगाएं, आज का वीडियो यही होगा। गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे के लिए मतलब सोच लो जान डाल देने वाला काम करता है मुल्तानी मिट्टी। सबसे बड़ी जो चीज होती है ये, इसको आप हीलिंग क्ले भी कह सकते हैं आप अपनी स्किन के लिए। दोस्तों ये जो है आपका जो ऑयली स्किन हो जाता है ना, आपके चेहरे पे जो ऑयल होता है, आता है, तेल आ जाता है, पसीना आ जाता है, उसको ये कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जब तेल आपके स्किन पे नहीं आएगा बार बार, तो आपके पिंपल अंदर से नहीं निकलेंगे। ठीक। मुल्तानी मिट्टी से चेहरे को धो लीजिए, लेकिन चेहरा धोने के बाद कोई कोल्ड क्रीम आप अपने चेहरे पे जरूर लगाएं, चाहे जितनी गर्मी हो। कोल्ड क्रीम लग जाने के बाद आपके चेहरे पे जो तेल आता है वो नहीं आएगा। आप इस चीज को करके देख लीजिए। ठीक है, जब कुछ नहीं लगा होता है तो इसीलिए बार बार तेल झलकता है आपको कि बहुत ज्यादा तेल आ रहा है मिट्टी। ठीक है, चेहरे को टाइट करता है, चेहरे को ब्राइट करता है मुल्तानी मिट्टी। लेकिन भाई लगाएं कैसे, कैसे लगाएं दीजिएगा दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये ले लीजिए मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, जितना आपको बनाना है मतलब जितना लगाना है उतना ही बनाइए। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे, थोड़ा सा लेंगे टमाटर का जूस। टमाटर का रस के बगैर तो क्या दोस्तों, मुझे इस तरह से पसंद है इसलिए मैं आपको इसी तरह से बता रही हूँ। आपको जैसे पसंद हो भाई आप उस तरह लगाइए, मेरे कहने के अनुसार आप एक बार जरूर लगा लीजिएगा। अब इसमें मैजिकल कर देने वाला स्किन के तेल को मतलब एकदम खत्म कर देता है, तेल को पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए, और आपके ऑयल को जो ऑयली स्किन वाली आपको लगता है कि दाने निकल रहे हैं उसकी वजह से, ऑयल की वजह से पिंपल निकल रहे हैं, उसको सबको खत्म करने के लिए, दाग धब्बों को खत्म करने के लिए ये है दोस्तों, ये है पुदीना का पाउडर। पुदीना का मौसम आ चुका है और आप उसको ले आइए, तोड़ लीजिए, उसको सुखा लीजिए छाई में और उसको छान करके रख लीजिए। पुदीना का पाउडर से दाग धब्बे खत्म होते हैं, इसकी महक बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। अब इसमें आपको क्या डालना होगा, आपको डालना होगा दही का पानी। दही का पानी डाल लीजिए थोड़ा सा। दूसरी चीज आपको क्या डालनी होगी, वो डालना होगा आलू का थोड़ा सा रस। अब इसको मिलाइए दोस्तों। इस तरह से आप मुल्तानी मिट्टी मतलब लगाएं और सुबह शाम दोनों लगाएं, मतलब आप सुबह भी मतलब दोपहर में जब आपको टाइम मिले, अगर आप घर पे हैं तो लगाइए। आलू का रस और डाल दीजिए इसमें, बहुत ज्यादा जो है चेहरा साफ करता है आलू का रस, उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। आलू के रस में तो सब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो इस तरह से बना लीजिए। हाँ, मैं बता रही थी कि दोपहर में आप लगा लीजिए जब आप किचन में जाएं। ठीक है, किचन में जाने से पहले मुल्तानी मिट्टी अपने स्किन पे लगा लीजिए, खाना बना लीजिए, तब तक ये सूख ही जाएगा, और इसके बाद इसको धो दीजिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। भाई मुझे तो ऐसे ही पसंद है लगाना, ये तो कभी लगाती हूँ तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। थोड़ा सा ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तो इस तरह से इसको मिला लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया आपका पैक। आप भी लगाइए, अपने घर वालों को भी लगाइए दोस्तों। तो बस ये बन चुका है और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। दोस्तों तैयार हो गया है मुल्तानी मिट्टी आपका। दोस्तों क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब आप किचन में जाएं तो मुल्तानी मिट्टी जरूर लगा लें, लेकिन मतलब किचन में जा रहे हैं तो आप इसमें नींबू नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप किचन में नहीं जा रहे हैं, शाम को टहलते हुए लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा नींबू के दो चार बूंद इसमें डाल सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ एक चीज, मास्क का जमाना आ चुका है, आया था, अब तो खत्म हो रहा है। दोस्तों आप जब किचन में जाएं, मैं ऐसे ही करती हूँ, जब आपको रोटी सेकना हो, क्योंकि जब रोटी सेकती है ना तो काफी आंच चेहरे में लगती है, या तो जब सब्जी बनाते हैं, दाल चावल तो कुकर में चढ़ गया, उसमें कोई मतलब चेहरे में ऐसा कुछ लगने का कोई डर नहीं होता है। जब रोटी सेकते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं मास्क लगा लेती हूँ। मास्क यहाँ तक बड़ा सा है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर पूरा चेहरा बंद हो जाता है। और दोस्तों मास्क लगा के रोटी सेकने में मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। सनस्क्रीन भी नहीं लगानी पड़ती,
लेकिन अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ जाती है किचन में। तो अगर नहीं लगाना चाहते आप तो मास्क लगा के जाइए, बड़ा सुकून मिलेगा आपको। सांस फूलने लगे तो थोड़ी देर के उतार दीजिए, रोटी सेकते समय मास्क लगाइए, बस अब क्या लगना है पैक लगा लीजिए। बड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल दोस्तों है ये वाला, क्योंकि इसमें पड़ी है भाई पुदीना मिंट, तो इसमें वैसे ही वो ठंडा होता है। चुल्फे हटा लेती हूँ, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग देख लेते हो चले जाते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपको दिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए ही कर रहे हैं दोस्तों। तो कोई आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है तो उसके मेहनत जो है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बाकी तो ठीक है। पब्लिक नहीं तो हम सब जीरो हैं, नहीं तो हीरो हैं। पब्लिक नहीं तो हम सब जीरो हैं, अगर आप हैं तो हम सब हीरो हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह से लगा लीजिएगा दोस्तों, सूखने के बाद धीमे 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 करके हटा दीजिएगा। यही वीडियो आज का है। इसी तरह से आप जब मुल्तानी मिट्टी लगाइए तो इसी तरह से लगाइएगा, इसी तरीके से। इस तरह से लगाने से क्या फायदा है कि खाली मुल्तानी मिट्टी घोल लिया और लगा लिया, कोई फायदा नहीं। सिफा ये है कि रिंकल नहीं आएंगे। बाय बाय दोस्तों।